मैं तमाम साफी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि एक मरतबा फिर आपने तकलीफ उठाई और हमने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर तशरीफ लाए। जो सियासत है खासतौर से सिंध में वो गड़बड़ ले रही है और इसी सिलसिले में हमने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है क्योंकि कल सिंध असेंबली का एक सेशन शुरू हो रहा है और आप ये देखें कि उस सेशन का अभी तक एजेंडा गवर्नमेंट ने ये सेशन बुलाया है लेकिन एजेंडा लोगों के सामने अभी तक नहीं लाया। तो हम समझते हैं कि हुकूमत सिंध हमेशा की तरह एक मरतबा फिर जिस तरह से कहा था कि किसी सियासी जमात को उन्होंने मामूम बनाया लेकिन हम समझते हैं कि वो पूरे सिंध के अवाम को मामूम बना रहे हैं और बगैर एजेंडा के सेशन बुला रहे हैं जिसके में क्या पेश करेंगे उनका क्या मकसद है और जो मकामी हुकूमत का एक्ट 2013 है उसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो बड़ी अहम है और हम उसे सराहते हैं। हम उसी पर भी बात करेंगे और बाकी सिंध के मसाइल पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ आप जैसे आप देख रहे हैं हमारे एमपीएस यहाँ पर मौजूद हैं जो कराची में मौजूद थे वो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और खास तौर से डॉक्टर साहब मेरे पहलू में तशरीफ रखते हैं ये भी बात करेंगे और मैं पहले माइक जो है वो हसन मिर्जा साहब एमपी को शहरयार नायर साहब को दूंगा ताकि ये सबसे पहले जो 2013 का हमारी हुकूमत का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस पर बात कर सके और फिर मजीद आगे बात हम करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। शुरू करते हुए हम वैसे में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इंतहाई मशहूर हैं अव्वल सिंध की आवाम के शऊर का जिन्होंने भरपूर एहतजाज करते हुए 12 जनवरी को हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और फिर 15 जनवरी को हमारे दारुल खिलाफा सूबाई दारुल खिलाफा कराची शहर में मरकजी एहतजाज करके ये साबित किया कि हम अपनी कानूनी सियासी आईनी हक तलफी बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं है। हमारा शऊर जागा हुआ है, हमें अपने हकूक का पता है और उसका दिफा करने का भी तरीका हम जानते हैं। उसके बाद हम मशहूर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिन्होंने हमारे एहतजाज जिसमें यकीनन आपका मीडिया हमारे दोस्तों का भी भरपूर साथ बात रहा है हम आपका भी शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन पे फैसला करते हुए ये तय किया कि ये काला कानून सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 वो आईन पाकिस्तान के मनफी है। आर्टिकल 148 स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी कॉन्ट्रडिक्शन है पर उसके साथ साथ आर्टिकल 9, 14 और 25 के भी मनफी करार देते हुए इस कानून की मुख्य शिके जो है उनको कालादम करार दे दिया है। अब नेक्स्ट मरला जो है ये हमारा पहले दिन से यही मुतालबा था ज्वाइंट अपोजिशन का ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एमपीएम पाकिस्तान का कि ये कानून ये आईन से तजाद रखता है, एक ताजा कानून बनाया जाए जिसमें सिंध के मुकामी मसलों की हकीकत सामने रखते हुए और सिंध के मैंडेट से इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सेलेक्ट कमेटी बनाई जाए और एक मुकम्मल मुसवदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट का उधर तैयार किया जाए। अभी हमारा यही मुतालबा है, आप मीडिया चैनल्स के थ्रू भी हम हुकूमत वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत को ये कन्वे करना चाहते हैं कि आएं आप आईन की तरफ आएं आप कानून की तरफ आएं। ये जो सिविलियन डिक्टेटरशिप का रूप जो आपने ढाया हुआ है वो वक्त गुजर चुका है, ऐसी सियासत आगे नहीं चल सकती सिंध में। आए असेंबली फ्लोर पे प्लेटफॉर्म पे कमेटी कायम करें तो उधर हम
कमेटी का रिपोर्ट। ये सेंट लोकल कमेटी एक्ट 2013 और इसमें जितने भी आज तक तरामीम हुई हैं उन सबको हम रद्द करते हैं और मुश्तरक ऑपोजिशन की तरफ से ये डिमांड है कि सेलेक्ट कमेटी बनाई जाए जहां नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट उधर ड्राफ्ट किया है। और जो हुकूमत वक्त ने कोशिश की है और दीगर सियासी जमायतों को एंगेज करने की, उनका मौकफ का भी हम एहतराम करते हैं, उनकी राय का भी एहतराम करते हैं, वैसे ही हुकूमत वक्त को सिर्फ आवाम की राय का भी एहतराम करना पड़ेगा। जिन पार्टियों के पास इलेक्टोरल मैंडेट मौजूद है, हमारी राय असेंबली फ्लोर पे ऑन बोर्ड लेना और उस लाइट में तजावीज लेकर कानून बनाना आप पे आईनी तौर पे कानूनी तौर पे लाजिम है। थैंक यू। ज्यादातर चीजें तो मिर्जा साहब ने कवर की, चंद चीजें मैं वो करना चाहूंगा कि पीपुल्स पार्टी की शुरू से एक शिकायत रही है कि जो कोर्ट्स हैं हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स, ये सिंध में क्यों इतनी मुदाखलत करती है, बाकी सूबों या मरकज में क्यों नहीं करती। और हम पहले दिन से पीपुल्स पार्टी वालों को, गवर्नमेंट को 2008 से ये कहते आ रहे हैं कि आपका जो तर्ज हुकूमत है वो जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ, आप कानून साजी करते हैं अपनी जात को बचाने के लिए, कहीं भी आपकी कानून साजी ऐसी नहीं रही कि आपने सूबे के मफाद में की। अब ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट की अगर हम बात करें, ये जिस तरीके से लाया गया, जिस तरीके से इसमें अमेंडमेंट्स की गई, जिस तरीके से इसको पास किया गया, हम असेंबली के फ्लोर पे इनको कहते रहे कि ये चैलेंज भी होगा, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इलीगल वे में इसको पास कर रहे हैं, चोर दरवाजे से पास कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो हुकूमत है पीपुल्स पार्टी की, उन्होंने हर चीज को बुलडोज करते हुए उसको पास किया। अब उसका नतीजा वही निकला, कोर्ट में चैलेंज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था आइन, वो भी कौन सा, जो भुट्टो साहब का बनाया हुआ आइन है, उसके अगेंस्ट था और कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करके वापस भेज दिया। अब हम दोबारा पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट को यही दरखास्त कर रहे हैं कि ये जो ड्रामे मचाए हुए उन्होंने इतने दिनों से सिंध में, उन जमातों से जाके बात कर रहे हैं जिनकी कोई अक्सरियत क्या रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, हमें कोई एतराज नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, उनसे जरूर टॉक्स होनी चाहिए और वो भी ऑन बोर्ड होने चाहिए इस उसमें, लेकिन उनकी असेंबली में कोई से नहीं है। ये दोबारा घूम के आना असेंबली में, इसको दोबारा दोस्त असेंबली ने करना है, तो आप उनसे जाके क्या बात कर रहे हैं और क्या राय ले रहे हैं, ये हमारी समझ से बाहर है। दूसरा, ये जो ड्रामेबाजी चल रही है सूबे में, अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया है उन्होंने जो आम काश्तकार है उनको हकूक दिलवाने के लिए। बिलावल साहब से कोई आज तक मैंने मीडिया में ये नहीं पूछा कि वो किससे हकूक दिलवा रहे हैं उनको, हमें तो कोई एक काश्तकार इस ट्रैक्टर ट्रॉली में नजर नहीं आया, वही लोग पीपुल्स पार्टी के नजर आए जो मर्सिडीज और उन गाड़ियों में घूमते हैं, उधर वो ट्रैक्टर ट्रॉली पे थे। ये रैली का मकसद क्या था, ये आवाम को किस डायरेक्शन में लिए जाया जा रहा है, ये हमारी समझ से बाहर है। अब हम पीपुल्स पार्टी को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो आप सारी कानून साजी है ये असेंबली में ले आए, जो कानूनी तरीका है असेंबली का, आप जो हमारा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और जो आपका ये बनाया हुआ एक्ट है, दोनों को सामने रखें, एक कमेटी बनाए, उस कमेटी में हर जमात की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, इसको डिस्कस करें और कानूनी तरीके से इसमें जो भी हिचेस हैं उनको दूर करें और इसको एक अवाम के मुफाद का कानून बना के और दोबारा असेंबली से आके पास कराया जाए, जिसकी हमें उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हम ये गुजारिश जरूर करेंगे पार्टी। हमारी बहन नुसरत सैयद अब्बासी साहिबा एम पी के, वो सिंध के इशू से कुछ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस वक्त हम लोगों को इम्पोर्टेंस देते हुए हमारी पार्टी के हवाले से जो इस वक्त हम अपना पॉइंट देना चाह रहे हैं उसके लिए कवरेज के लिए आए, और यकीनन इस आपकी इस कवरेज की वजह से पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में हमारा जरूर कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट आया, आप सबने देखा असेंबली में किस तरीके से पास किया गया, किस कदर इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, वो हमेशा करते रहे, मीडिया गवाह है कि सिंध असेंबली में जब भी कोई ऐसा बिल जो उनके मफाद का होता है वो इस तरह बिल्डोज करते हैं। इतनी ऑपोजिशन, तीन बड़ी जमातें हैं जिनकी उनके नजर में कोई अहमियत नहीं है, मतलब के जमहूरियत जिसका दावेदार बिलावल जरदारी हमेशा कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो
से उस चीज को समझने की जरूरत है। इसीलिए आज हम कटरे में आप लोगों को ये बताने के लिए कि ये जो कुछ किया उन्होंने वो बहुत सिंध की आवाम के साथ गलत किया, जिसकी वजह से तमाम जमातों ने प्रोटेस्ट करके ये जवाब दे दिया है कि जो आपने किया वो गलत किया। दूसरा हेल्थ की बात करें, फिलहाल सरकारी को बाकी सूबों में तो सब कुछ बुरा नजर आता है, अपने सूबे में नहीं नजर आता। अपने सूबे की सिंध की जो आवाम है, सिंध की बच्चियां बेटियां हो रही हैं, रुल रही हैं, उनकी जो कंडीशन है, मैं बहुत जबरदस्त हवाले से यहाँ पर बिलावल जरदारी को पुकार कर ये आवाज दे रही हूँ कि जो बच्चियां नवाब साहब की बच्ची रो रो के बिलबिला रही है, नौकोट में क्या हुआ है? नौकोट में जो बच्चियों को घसीटा, उनका रेप किया गया, उनके साथ किस तरीके से, और फिर उसके बाद उनकी जबरदस्ती मेडिकल रिपोर्ट चेंज की जा रही है, खुदा का वास्ता है सिंध के इश्यूज को सिंध में हल करने की कोशिश कीजिए। बिलावल जरदारी, आपकी भी तो बहने, आप इस चीज को समझें कि किसी की माँ बहन बेटी की इतनी अहमियत रखती है जैसे आपके लिए, हम सबके लिए। ये कराची से कश्मीर तक बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, यूनिवर्सिटी में हिरासत किया जा रहा है, हर जगह सिंध में बच्चियों के साथ जो बुरा सलूक किया जा रहा है उस पर फौरी तौर पर तवज्जो दें, वरना मेरे ख्याल में अब कोई फिर इस तरह होगा कि तालीम के लिए जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, सिंध में तालीम का बड़ा बहुत अच्छा निजाम चल रहा है, बच्चियां गांव घरों से तालीम के लिए नहीं निकलेंगी, उनको जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में हिरासा करके उनको मारने की कोशिश की जा रही है, मैं बहुत इस चीज पर मुजम्मत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर उन बच्चियों के तमाम जितने भी मसाले हैं उसको हल करने की कोशिश की जाए। थैंक यू। मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सदर अब्बासी साहब से, मैं रात तमाम बातें हो गई हैं, सदा साहब ने भी, हुसैन जदर साहब ने भी, सचिव भी, शेरिया साहब ने भी, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से आपने सामने रखी है बातें। मैं समझता हूँ कि एक मुनाफ़ा पॉलिसी रही है हुकूमत की मुस्तकिल, इसके जरिए दावा करता ये होता है हमेशा याद भी ये करते हैं कि कौमी असेंबली में जो ना बिल को बुलडोज किया जाता है, लेकिन जो रियासत असेंबली में जो कुछ हो रहा है वो सरकारों के अंदर मुस्तकल, खासतौर पर जब से ये टेंडर शुरू हुआ है वो आप सबके सामने है, और सारी मुनाफ्ताना अंदाज में जो है वो पॉलिटिक्स की जाती है, जबरदस्ती बुलडोज हो रहे हैं और लोकल गवर्नमेंट में जिस अंदाज में बुलडोज किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस के वहां में शहूर है उसकी वजह से जो रिजिस्टेंस पैदा हुआ है इनके खिलाफ, पहली दफा ये लोग थोड़े से बैकफुट हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है कि आप तमाम दोस्तों की तरफ से जो हमारी बात है वो पहुंचे आवाम तक, और बुनियादी तौर पर जो है मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया किसी हुकूमत के लिए सारे किरदार का बयान है, ये हमें कहते हैं कि वफाक हुकूमत जो है ना उसकी ये गलतियां होती हैं, कितनी गलतियां होंगी, वैसे धीरे कि हम उसको पॉइंट आउट करते रहे, हम बार बार कहते रहे कि वफाक की हुकूमत की जो जो इशूज है उनको सही तरह पहले करना चाहिए, महंगाई का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का बहरान है, तमाम चीजों को हल होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या एहतसाब इन 3 सालों का होना चाहिए या 3.5 सालों का या 15 साल जो आप हुकूमत में बैठे हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ 15 साल की जो आपकी कार्रवाई है, जिस तरीके से आपने सिंध के हर शहर को बर्बाद किया है, आज अगर हम लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के सही इतना मुताबा करते हैं उसकी बुनियाद यह है कि शहर सुधरे, हो सकता है अगर पीपल्स पार्टी के वापस लोकल गवर्नमेंट उधर आए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपने बिल्कुल जो है शहर पर बात करके नहीं की, आप कराची से शुरू हो कश्मीर तक चले जाए, मुझे बताएं एक शहर को समाप्त हो, लड़काना हो, अमरखान हो, शिकारपुर हो, रतोदेर हो, खैरपुर हो, सखर हो, कोई शहर आज समाप्त नहीं, हैदराबाद हो, सब शहर बर्बाद हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो मूवमेंट चली है सिंध के अंदर सही बदियादी निजाम के हवाले से वो तकाजा करता है, आप 18वीं तक बहुत बात करते हैं, बहुत आप कहते हैं कि 18वीं तरमीम हमने करवाई है, 18वीं तरमीम में जनाब पहली दफा 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को दाखिल किया गया, एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट किया गया, लेकिन आप थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट क्या आपने जो हो गया बेकार कर दिया, आपने जबरदस्ती जो कानून को बुलडोज करने की कोशिश की है, दावा आपका यह होता है कि हम बात करेंगे क्या, लेकिन आप मुझे बताएं आज तक आपने किसी ऑपोजिशन के एनपीओ को रिप्रेजेंटेशन दी है कमेटियों के अंदर, आपकी तमाम कमेटियां जो खाली पड़ी, एक शख्स को जो है आपने कमेटियों के अंदर सिंध असेंबली के अंदर अपने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, ये बोल भी कमेटी को जाना चाहिए था, लोकल गवर्नमेंट का जो एक्ट में जो तरमीम आप सजेस्ट करें कि ये स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने असेंबली के अंदर खड़े होकर उसको बुलडोज किया, लेकिन आज हम डिमांड करते हैं ये
सिंध की आवाम की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि आपका ये बिल और आपकी अमेंडमेंट्स ये कलजुम है, ये आईन से मुतसादम है, ये आर्टिकल 140 ए से मुतसादम है, फंडामेंटल राइट से मुतसादम है कि जो 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 हुकूक फंडामेंटल हुकूक अवाम हुकूक आईन देता है उसका भी मुतसादम है। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया थोड़ी सी सीरियसली जो है मुरादर इशा साहब की थोड़ी सी सीरियस इस चीज को ले और जो हकीकी रिप्रेजेंटेटिव है हम आपकी हुकूमत को जनाब तस्लीम करते हैं, लेकिन आप क्या ऑपोजिशन को बुलडोज करते चले जाएंगे? तो मैं समझ लू ये काफी हो चुका है और अब यह वक्त आ गया है कि ये बुलडोज बिल्कुल अलाउ हम नहीं करेंगे। और मैं अभी भी ये जो डिमांड आई हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी की तरफ रेफर करें और बैठकर बामानी मुलाकात करें। यकीनन हम अपना इनपुट भी देंगे और अपनी बात भी करेंगे उसके अंदर, जितने जो ऑपोजिशन के हमारे दीगर दोस्त हैं अलायंस हैं उनके साथ मिलकर आपसे बात करेंगे। एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या तरीका है आप लोगों किस तरीके की गवर्नेंस बना दी है इस सूबे के अंदर? पूरा सूबा लॉर्ड ऑफ ने देखे आप एक शहर में अपना कराची के अंदर हजारों मोबाइल जो छीन जा चुकी है, हजारों मोटरसाइकिलें जो है चोरी हो चुकी है, लाल कराची में तबाही अंधेरा मचा हुआ अंधेर मिल रही है पूरे सिंध के अंदर, डाकू राज है, क्या कर रहे हैं आपने? ये भी क्या वफादी होती है कि आप सिंध के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए? आप यकीन मैंने ये बात करते हैं वफादी हुकूमत की, जो अगर कोई चीज है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कितने आपके मार्केट में बचे, कितने आपके डीसी जनाब ये जो आज की जो कीमतें बढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर वो कौन कंट्रोल करेगा? क्या महंगाई सिर्फ वफादी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी भी दे रहे हैं कराची से कश्मीर तक जो अगर महंगाई है, अगर यूरिया की होर्डिंग हो रही है, अगर गंदम की कीमत सही नहीं मिल रही, अगर आटे की होर्डिंग हो रही है, अगर शुगर की होर्डिंग हो रही है, तो सारी मिले आप लोगों की आप संभाले ना उसको। क्यों आटा क्यों महंगा है आज सिंध के अंदर, चीनी क्यों महंगी है, यूरिया क्यों नहीं मिल रहा आज? मेरी नजर में कोई रवैयों को भी देखें सिंध हुकूमत की मेरी डिमांड है, बिलावल साहब की मेरी डिमांड है कि आप देखिए अपने सारी हुकूमत को 15 साल आपको हो गए, मुझे बताएं 15 साल एक प्रोजेक्ट मुझे बताएं जिसको हम कहेंगे यहां ये सिंध की जो है आज ये प्रोजेक्ट है जो सिंध को रिप्रेजेंट करता है। मेरे नजर में गवर्नेंस को मीट करें ठीक करें उसको आने वाले दिनों में यकीन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस एक अपनी हैसियत रखता है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की अपनी एक पोजिशन है, हम यकीन जो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप कहते हैं कि वफाक बताते हैं तो आप भी कहते हैं आपकी हुकूमत कैसे बनी है यहाँ पे? मैं सारे हमें देखिए ठीक है हमें वक्त तौर पर जो है तस्लीम किया कि हुकूमत को चलना चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा आने वाले हुकूमत में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस पूरी जोर शोर से इंशाल्लाह इस इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा और पूरे जोर शोर से जो है मुकाबला करेगा इस मुकोजी का। बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद। अच्छा बताओ एक कमेंट के साथ के ये सिंध की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, ये जैसे कि आप जानते हैं 2018 के इलेक्शन में ये एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और अगर सिंध हुकूमत ने अकल के नाखून न लिए और जनजाति एक्ट पे तमाम जमातों को जो सिंध में असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव है उनको ऑन बोर्ड नहीं किया, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि डीडीए अपनी असल शक्ल में बाहर आएगी और ये जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है इसको भी हम कलेक्ट कर देंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे कुछ सवाल कर रहे थे। जी सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क में सवाल ये है कि आप लोग आइसोलेशन का शिकार हैं कि मैं यकीन जो ना एक बात लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीडीए की वो उम्र या ताकत नहीं है जिसकी याद में हम थोड़ी पे कर सकते, मैं तो तस्लीम करता हूँ। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमने अपनी चीजों को नहीं उठाया, हमने उनके साथ नहीं मुलाकात की या हमने अपने इशू को उनके साथ नहीं टेकअप किया, ये बात गलत है। लेकिन सवाल ये पता होता है कि कितनी जिम्मेदारियां हम वफाक पे डालते हैं या बुनियादी सवाल नहीं है कि हम कितनी जिम्मेदारियों पर डालते हैं, कितनी जिम्मेदारी इशू को डालते हैं। हम बिल्कुल कतर आइसोलेशन का शिकार नहीं है जो कुछ। अब हम हाजिर हुए थे, मैंने टाइम लिया था सरदार साहब से, आज हमने 2 बजे ट्राई लिया, हमारा प्लान था कि हम तमाम मुतलक अपोजिशन जो है वो
अपोजिशन सबने मुलाकात करें, मैंने रिक्वेस्ट की थी भाई से सरदार साहब से, लेकिन फिर हुआ कि इनका अपना इजलास था, तो अभी हम सिंध असम्बली में नवीद कंवर नवीद साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, जावेद अलीम साहब और उनके इनके लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। हमने कल के लायमल पे मुतफिक का मुश्तर का लायमल के तौर पे हमने तय किया, एमपीए साहब हमारे उनके एनकेएम के साथ मौजूद हैं, तो अभी वहां से बातचीत करके हम यहाँ आए, इंशाल्लाह अपोजिशन मुतहद है और कल आपको इजलास भी नजर आएगी, और इसीलिए यहाँ वो सारी जो कल जिससे प्लान कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसी एक लायमल तय करने के लिए हाजिर हुए थे जीडीए के पास, तो एमकेएम और हमारी मीटिंग हुई है, इनसे टेलीफोन भी रबते में है, इंशाल्लाह लायमल तय करेंगे, बाकी कल देखेंगे इंशाल्लाह। सिंध असेंबली मुश्तफे मुतहद अपोजिशन आपको नजर आएगी, कोई परेशानी, मैं सुन रहा था आपका सवाल अंदर बैठा, अल्लाह करे।